हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का। आप लोगों को डराने के लिए आज मैं फिर से लेकर आया हूं मेरे व्यूअर्स की भेजी 6 सच्ची डरावनी कहानियां। बताई गई सभी कहानियां मुझे मेरे व्यूअर्स द्वारा भेजी गई हैं और ये सब सच्ची घटनाएं हैं। अगर आप भी अपनी कोई सच्ची कहानी मुझे भेजना चाहते हैं तो मुझे ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं आज की कहानियां। मेरा नाम पीयूष है। मैं पहले भी आपको एक कहानी भेज चुका हूं। आज मैं आपको अपने मामा श्याम लाल के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। इस साल रक्षाबंधन पे मामा पंजाब में जब हमारे घर आए थे तब उन्होंने ये बात हमें बताई थी। ये 2020 के लॉकडाउन के समय की बात है। मामा यूपी के संग्रामगढ़ नाम के एक गांव में रहते हैं। मामा वाटर सप्लायर का काम करते हैं, मतलब कि वो एक गांव से दूसरे गांव घरों में पीने का पानी देने जाते हैं। लेकिन लॉकडाउन के समय मामा पानी देने नहीं जा पाते थे। उनको बहुत लोगों के फोन आते पानी देने के लिए, लेकिन तब हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ था और पुलिस के डर से मामा कहीं नहीं जा पाते थे। लेकिन फिर एक दिन उनको पास के एक गांव से एक लड़की का फोन आया। आवाज से वो कोई छोटी बच्ची लग रही थी। वो लड़की मामा से बोली कि हमारे घर की पानी की मोटर खराब हो गई है और घर में भी सब लोग बीमार पड़े हैं। घर में पानी लाने वाला और कोई नहीं है। वो मामा से बोली कि आप हमारे घर पानी देने आ जाओ। तो उस लड़की की तकलीफ सुन के मामा से रहा नहीं गया। मामा ने फैसला किया कि वो उनके घर पानी देने जरूर जाएंगे। जब मामी को ये बात पता चली कि मामा बाहर जा रहे हैं तो वो मामा से बोली कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुप करके घर के अंदर बैठ जाओ, बाहर गए तो पुलिस मारेगी। तो मामा बोले नहीं, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं पानी देकर ही आऊंगा। और फिर मामा ने अपनी साइकिल निकाली और उस पे 20 लीटर की पानी की बोतल रख के बांध ली और अपने गांव संग्रामपुर से पास के हिम्मतपुरा गांव के लिए निकल पड़े। वो गांव उनके यहां से 4-5 किलोमीटर दूर पड़ता था। फिर जब वो पानी लेकर जा रहे थे तो उनको आगे रास्ते में पुलिस की कार खड़ी दिखाई दी। मामा ने सोचा कि अगर इन पुलिस वालों ने मुझे देख लिया तो मुझे जाने नहीं देंगे और मार अलग लगाएंगे, लेकिन पानी देने तो जाना ही था। तो उन्होंने वो रोड का रास्ता छोड़ के साथ के खेत से एक कच्चे रास्ते से जाना शुरू कर दिया। वो रास्ता कच्चा तो था ही लेकिन बहुत खराब भी था। लेकिन मामा के पास और कोई चारा नहीं था। वो जैसे तैसे साइकिल चलाते हुए उसी रास्ते से आगे बढ़ने लगे। तब तक अंधेरा भी होने लगा था। तभी एक जगह पहुंच के मामा को एक कुत्ता दिखाई दिया। वो कुत्ता तेजी से उन्हीं की तरफ भागता हुआ आ रहा था और जोर जोर से भौंके जा रहा था। उसको देखकर मामा वहीं रुक गए कि पता नहीं ये कुत्ता मेरी तरफ क्यों भौंक रहा है। लेकिन फिर मामा ने देखा कि वो कुत्ता भौंक तो रहा था लेकिन भौंकते हुए वो बहुत डर भी रहा था और वो मामा की तरफ देखकर नहीं भौंक रहा था। मामा ने ध्यान से देखा तो देखा कि वो एक जामुन के पेड़ की तरफ देखकर भौंक रहा था। फिर मामा ने उस पेड़ के ऊपर देखा तो देखा कि उस पेड़ के ऊपर एक 8-9 फीट लंबा आदमी खड़ा था जिसकी बड़ी बड़ी आंखें बिल्कुल बल्ब के जैसे चमक रही थी और उसका शरीर भी ऐसा था जैसे उस पर कोई चमड़ी ना हो, सिर्फ हड्डियां हों। उस पेड़ पे खड़ा वो आदमी मामा की तरफ अजीब ही तरीके से देख रहा था। उसको देख के वो बहुत डर गए और अपनी साइकिल लेके तेजी से वहां से भागने लगे। वो कुत्ता भी डर के मारे मामा के साथ साथ ही भाग रहा था। लेकिन फिर करीब 200 मीटर आगे जाने के बाद वो कुत्ता फिर से भागने लगा तो मामा ने देखा कि वही लंबा सा शैतान अब सामने एक पेड़ पे आके खड़ा हो गया था। मेरे मामा शिवजी को बहुत मानते हैं। वो तभी जोर जोर से शिवजी का नाम लेने लगे।
फिर जैसे तैसे वो वहां से निकल के आगे हिम्मतपुरा गांव में पहुंचे। वहां उनके एक दोस्त रहते थे जिनका नाम केशव चंद है। वो सीधा उन्हीं के घर पहुंचे और उनके दरवाजे पे जोर जोर से खटखटाने लगे। उनके दोस्त बाहर निकले तो हैरानी से उनसे पूछने लगे कि तुम यहां क्या कर रहे हो। तो मामा बोले कि मैं तुमको सारी बात बताता हूं, पहले जल्दी से घर के अंदर चलो। फिर घर के अंदर आके मामा ने उनको सारी बात बताई। मामा की बात सुनके उनका दोस्त बोला कि तुमको तो पता ही है ना कि वो रास्ता कितना मनहूस है, और जिस जामुन के पेड़ की तुम बात कर रहे हो उस पे एक शैतान प्रेत आत्मा रहती है। वो कितने ही लोगों को मार चुका है और पागल कर चुका है, लेकिन तुम शायद इसलिए बच गए क्योंकि तुम शिवजी के भगत हो। मामा बोले कि मुझे तुम्हारे गांव में ये पानी देकर आना है, तुम मेरे साथ चलो। तो उनका दोस्त बोला ठीक है, लेकिन मैं साथ में दो और लोगों को ले लेता हूं जिससे कि रास्ते में वो शैतान हमारा कुछ ना कर सके। फिर मामा अपने दोस्त और दो और लोगों को साथ लेके उस लड़की के घर पहुंचे और उनको पानी दिया। वो कुत्ता जो उनको रास्ते में मिला था वो अभी भी उन्हीं के साथ था। फिर वापस आके मामा के दोस्त बोले कि आज रात तुम यहीं रुक जाओ, कल दिन में चले जाना। मामा भी तब इतना डर गए थे कि रात में उन्हीं के यहां सोने के लिए तैयार हो गए। फिर अगले दिन मामा छुप छुप के उस कुत्ते के साथ अपने गांव वापस आ गए। वो कुत्ता आज भी मामा के साथ रहता है। मामा ने उसका नाम मोती रखा है। वो कुत्ता मामा को उनकी मुसीबत के टाइम पे मिला था, इसलिए मामा ने उसको अपने पास ही रख लिया है। अब वो मामा का अच्छा दोस्त बन चुका है। ये 1.5 साल पहले की बात है, मैं तब 16 साल की थी। हमारे घर में मेरे मम्मी पापा, भाई और हमारा एक डॉग रहते थे। मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे और उस टाइम कोविड की वजह से हमारे स्कूल भी बंद हो रखे थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मम्मी पापा दोनों बाहर घूमने पुणे के खड़कवासला डैम पे गए थे। तो घूमते हुए मम्मी को वहां एक बड़ा सा चाकू पड़ा मिला। वो दिखने में बिल्कुल किसी डंडे जैसा लग रहा था। मम्मी को वो चाकू बहुत पसंद आया और मम्मी उसको अपने साथ घर लेकर आ गई। आते हुए वो लोग साथ में कुछ नॉनवेज भी लेकर आए थे। घर आके मम्मी ने रोज की तरह खाना बनाया और फिर रात में सब अपने अपने कमरे में चले गए। तब तक सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी अजीब नहीं हुआ था। मम्मी पापा हॉल में बैठे मूवी देख रहे थे। फिर रात 12 बजे के करीब पापा मम्मी के पास से उठ के वॉशरूम में चले गए। फिर कुछ देर बाद जब पापा वापस आए तो देखा कि मम्मी हॉल में नहीं थी। पापा को लगा कि मम्मी शायद अपने रूम में चली गई होंगी। पापा ने उनके रूम में भी जाकर चेक किया, लेकिन मम्मी वहां भी नहीं थी। पापा ने मम्मी को सब जगह ढूंढा, लेकिन मम्मी पूरे घर में नहीं थी। तो पापा ने मेरे भाई को उठाया और बोले कि मम्मी नहीं मिल रही है, मैं उनको देखने नीचे पार्किंग में जा रहा हूं। अब पापा बाहर निकल ही रहे थे कि तभी उनको उनके कमरे से एक अजीब सी आवाज आने लगी। हमारी डॉग भी उस कमरे के सामने खड़ी होके जोर जोर से भौंकने लगी। पापा ने देखा कि रूम के अंदर अलमारी के सारे कपड़े अलमारी के बाहर बिखरे पड़े थे। जबकि अभी कुछ देर पहले जब पापा मम्मी को देखने आए तो उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि तब लाइट बंद थी। और तभी वो अलमारी बहुत जोर जोर से हिलने लगी। पापा ने जल्दी से अलमारी खोली तो देखा कि मम्मी अलमारी के अंदर बंद थी और रो रही थी। पापा ने जल्दी से मम्मी को बाहर निकाला और उनको पानी पिलाया और शांत करने की कोशिश करने लगे। कुछ देर बाद मम्मी शांत हुई तो उन्होंने सीधा पापा की तरफ देखा और उनको जोर से धक्का दे दिया। पापा बहुत जोर से पीछे जाके गिरे। ये देख के हम सब डर गए। फिर मम्मी ने
हमारे डॉग को भौंकते हुए देखा तो उसकी तरफ ऐसे देखने लगी जैसे आंखों आंखों में उससे कुछ कह रही हो। तो हमारे डॉग उसी वक्त डर के मारे कुई कुई करती हुई नीचे बैठ गई। फिर मम्मी हमारे डॉग की तरफ देखती हुई बोली, इसको पका के खाऊं या कच्चा खा जाऊं। उस वक्त हमने नोटिस किया कि मम्मी की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई आदमी और औरत एक साथ बोल रहे हो। फिर पापा धीरे धीरे मम्मी के पास गए और उनको शांत करने लगे। मम्मी शांत हुई तो वही फर्श पे ही लेट गई और टेढ़े मेढ़े हाथ पैर करके लेटे लेटे रेंगने लगी। 10 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। पापा मम्मी को शांत करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मम्मी कुछ कुछ बड़बड़ाए जा रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी क्या बोल रही है। पापा ने मम्मी के मुंह के पास जाके ध्यान से सुना तो मम्मी बोल रही थी, जिसने मेरा कत्ल किया है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। बस यही बात बार बार बोले जा रही थी। पापा ने जोर से उन पे चिल्लाया भी, चुप हो जा, लेकिन मम्मी चुप ही नहीं हो रही थी। ये होते होते एक चीज और हो गई, वो ये कि मम्मी के राइट हैंड की जो मिडिल फिंगर थी वो अब बहुत बड़ी हो चुकी थी। ये देखते ही मेरा भाई फोन लेके मम्मी का वीडियो बनाने लगा, लेकिन जैसे ही मम्मी ने देखा कि भाई उनका वीडियो बना रहा है तो वो भाई को भी वैसे ही देखने लगी जैसे हमारे डॉग को देखा था। इसी बीच पापा ने दादी को फोन करके कहा कि आप जल्दी से यहां आ जाओ। मेरे दादा दादी वहां से ज्यादा दूर नहीं रहते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनको हमारे घर का रास्ता नहीं पता था, उनको बस बाहर रोड तक का ही रास्ता पता था। पापा मम्मी के पास से हिल भी नहीं सकते थे और मेरा भाई तब छोटा था, इसलिए मुझे ही दादी को लेने जाना पड़ा। मैं इन सब चीजों से डरती तो नहीं थी लेकिन अब मुझे डर लग रहा था, तो मैंने अपने घर के मंदिर से गणेश जी की मूर्ति उठाई और मूर्ति लेके गणेश जी का नाम लेते लेते दादा दादी को लेने चली गई। उस टाइम रात के 2 बज रहे थे, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। फिर मैं दादा दादी को लेकर घर वापस पहुंची, 2:30 बज चुके थे। इसी बीच पापा ने देखा कि मम्मी अलमारी के सामने फैले कपड़ों के ऊपर बैठी हुई थी और वो जिस कपड़े पे बैठी थी वो वही कपड़ा था जिसमें वो चाकू रखा था जिसको मम्मी लेकर आई थी। वो देख के पापा को थोड़ा शक हुआ कि कहीं ये इसी चाकू की वजह से तो नहीं हो रहा है। फिर दादी मम्मी के पास गई तो तब भी मम्मी कुछ कुछ बड़बड़ाए जा रही थी, तो दादी ने मम्मी को शांत करने के लिए उनके सर पे हाथ रख दिया, लेकिन ऐसा करते ही मम्मी दादी को मराठी में गालियां देने लगी। मम्मी के मुंह से ऐसी बात सुनके दादी डर गई, बोली इसने तो आज तक मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की। फिर पापा ने मामा को और कुछ दूसरे रिश्तेदारों को कॉल किया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया, सब लोग सो रहे थे। अब हमारे पास ऐसे ही रात बिताने के अलावा और कोई चारा नहीं था। हम मम्मी के पास बैठे उनको शांत करने की कोशिश करते रहे, लेकिन फिर जैसे जैसे सुबह होने लगी मम्मी की हालत भी ठीक होने लगी और फिर सुबह होने तक मम्मी नींद में सो गई, लेकिन हम सब लोग अभी भी जाग रहे थे। फिर मम्मी जब नींद से उठी तो उठते ही मम्मी खाने के लिए नॉनवेज मांगने लगी। हमने कहा हम अभी दादी के घर जा रहे हैं, वहीं जाके खाना खाएंगे। मम्मी खाने के लिए बिरयानी मांग रही थी लेकिन दादी के घर पहुंच के मम्मी सो गई। हम सबको भी नींद आ रही थी तो हम सब भी सो गए। फिर शाम को मम्मी उठी तो फिर से खाना मांगने लगी, तो मामा बाहर से बिरयानी खरीद के ले आए। बिरयानी देखते ही मम्मी जल्दी जल्दी बिरयानी के 2 पैकेट खा गई, तीसरा पैकेट भाई खोलकर खा रहा था, तो मम्मी जोर से भाई के ऊपर चिल्लाई तो भाई ने वो बिरयानी छोड़ दी। फिर बिरयानी खा के मम्मी बिल्कुल नॉर्मल हो गई, बाकी सब लोग भी अपने काम में लगे थे।
रात के 12 बज गए। मम्मी तो सो गई थी, लेकिन हम लोग नहीं सोए थे क्योंकि हमें पता था कि रात में कुछ ना कुछ जरूर होगा। अब रात ठीक 1 बजे मामा मम्मी के बगल में ही बैठे टीवी देख रहे थे और मम्मी के ऊपर भी नजर रख रहे थे। तभी अचानक मामा ने देखा कि मम्मी अपनी जगह से गायब हो गए। हमने जल्दी से उठ के देखा तो मम्मी बाहर खिड़की के सामने खड़ी थी और कुछ कुछ बोल रही थी। मम्मी के हाथ पैर भी टेढ़े मेढ़े हो गए थे। सब लोग जल्दी से वहां पहुंच गए। मैंने मम्मी की तरफ जोर से चिल्ला के बोला, कौन है तू, ये क्या कर रही है? तो मम्मी तेजी से मेरी तरफ भाग के आने लगी, लेकिन बाकी लोगों ने मम्मी को पकड़ लिया। इसी बीच मेरे मामा ने अपने एक फ्रेंड को जो कि पंडित का काम करते हैं उनको वहां बुला लिया। कुछ ही देर बाद वो उनके घर पहुंच गए। घर आके उन्होंने मम्मी के कान में कुछ मंत्र बोले और पूजा वगैरह करने लगे, लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी जो मम्मी के अंदर थी वो इतनी ताकतवर थी कि 4 लोग मिलके भी मम्मी को संभाल नहीं पा रहे थे। उन पंडित ने मम्मी की बात भी सुनी जो वो बड़बड़ाए जा रही थी, तो उनको सब कुछ समझ आ गया। फिर कुछ देर बाद मम्मी शांत हुई तो उन्होंने मम्मी को बांधने के लिए एक धागा दिया, बोला इसको कभी मत उतारना। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये सब उसी चाकू की वजह से हो रहा है। उन्होंने वो चाकू देखा और कहा कि इनके अंदर एक नहीं बल्कि 3 आत्मा आ गई थी जिनको इस चाकू से मारा गया था। उन्होंने कहा कि इस चाकू की पूजा करके इसको ऐसी जगह विसर्जन करना होगा जहां कोई क्राइम ना हुआ हो। तो हमने चाकू की पूजा करके उसको एक ऐसी जगह रख दिया जहां कोई भी ना आ सके और उसको देख सके। इसके बाद मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। आज भी हमें जब वो 2 रातें याद आती हैं तो हम बहुत डर जाते हैं। मेरा नाम कुणाल है। आज मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं ये सब मेरी नानी के साथ हुआ था। मैं आपको बता दूं कि मेरी नानी दिल्ली की कालका माता की बहुत बड़ी भक्त है और उनके ऊपर कालका माँ आती भी है। नानी ने अपने घर में कालका माता को स्थापित भी करवाया हुआ है। मैं बचपन से नानी के घर जाता रहा हूं और वहां मुझे उनके मंदिर से बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स महसूस होती हैं। तो हुआ ऐसा था कि बहुत साल पहले मेरे नाना एमपी छोड़ के दिल्ली रहने के लिए आए थे। वो वेस्ट दिल्ली में रहते थे और वहीं काम करते थे, लेकिन उन दिनों वो इलाका बहुत सुनसान रहता था, वहां इतनी आबादी नहीं थी। तो एक बार की बात है, किसी ने मेरे बड़े मामा के ऊपर जिन छोड़ दिया था। वो जिन उन लोगों को बहुत परेशान करता था। मामा की हालत बहुत खराब हो गई थी, वो कुछ भी बोलते रहते थे, कुछ भी करते रहते थे। तो नाना नानी उनको दिल्ली में एक तांत्रिक के पास लेकर गए, लेकिन वो तांत्रिक बहुत लालची किस्म का इंसान था। उसने मामा से उस जिन को तो हटा दिया, लेकिन बदले में उनसे बहुत पैसे मांगने लगा। नाना नानी तो शुरू से ही मजदूरी किया करते थे, उनसे जितना बन सकता था उन्होंने उस तांत्रिक को दे दिया, लेकिन वो नहीं माना। फिर उस तांत्रिक ने धोखे से नानी को एक छोटी मटकी दी, बोला मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुमसे खुश होकर मैं तुमको अपना बाबा देता हूं, तुम इनकी रोज पूजा करना, इससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आएगी। लेकिन असल में उस मटकी के अंदर एक जिन था जिसको उस तांत्रिक ने उनका घर बर्बाद करने के लिए भेजा था। लेकिन मेरी नानी बहुत भोली है, उन्होंने जैसा उस तांत्रिक ने कहा था वैसा ही किया और रोज उस मटकी की पूजा करने लगे। लेकिन भगवान की लीला देखिए, वो जिन जिसे इनका घर बर्बाद करने के लिए भेजा गया था वो नानी के साफ मन से और उनकी पूजा से इतना खुश हो गया कि खुद ये सारी बात नानी को बता दी। बताया कि मैं तो तुम्हारा घर मिटाने के लिए आया था, लेकिन अब मैं तुमसे बहुत खुश हूं,
इसलिए मैं यहां से जा रहा हूं। फिर वो जिन नानी का बिना कोई नुकसान किए वापस उसी तांत्रिक के पास चला गया। कुछ टाइम बाद सुनने में आया था कि वो तांत्रिक पागल हो गया है, शायद उस जिन ने ही उसे ये सजा दी थी। ये दूसरी घटना भी मेरी नानी के साथ हुई थी, जब उन्होंने दिल्ली में अपना खुद का घर बना लिया था और कालका माता को भी घर में स्थापित कर लिया था। तो एक दिन की बात है, उनकी एक सहेली अपनी भाभी को साथ लेकर एक बार उनके घर उनसे मिलने आई थी। उनकी भाभी की तब नई नई शादी हुई थी और वो उनको उनसे मिलाने के लिए ही उनके घर आई थी। लेकिन जैसे ही वो लोग नानी के घर में घुसे तो उनकी वो नई बहू वहीं उनके घर की दहलीज पे ही पसर गई और बुरी तरह कांपने लगी। फिर नानी ने उनसे पूछा कि तुझे क्या हुआ है, तो उसने माता की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं इनकी बहू नहीं हूं, इनकी बहू एक बार एक चौराहे पर किसी के उतारे को लांग कर निकल गई थी, तभी से मैं इसके ऊपर हूं, मुझे कोई पकड़ नहीं पाया। लेकिन कालका माता के स्थान पे आते ही वो उनके तेज से बच नहीं पाई और वहीं तड़पने लगी। फिर उन लोगों ने उनकी भाभी को एक पीर के यहां दिखाया और उनका इलाज करवाया। इसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। मेरा नाम सदाशिव है, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूं। मैं आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूं जो मेरे पापा के साथ घटी थी। ये बहुत पहले की बात है, जब उड़ीसा इतना डेवलप नहीं हुआ था। उन दिनों मेरे पापा ऑटो ड्राइवर का काम करते थे। तो ऐसे ही एक दिन शाम करीब 7 बजे पापा को 4 बूढ़े आदमी मिले। वो पुरी से भुवनेश्वर जाना चाहते थे। पुरी से भुवनेश्वर करीब 110 किलोमीटर दूर पड़ता था और तब रात के 7 बज चुके थे, लेकिन पापा ने जाने के लिए हाँ कर दी और उन चारों बूढ़े आदमियों को ऑटो में बिठा के भुवनेश्वर के लिए चल पड़े। वहां पहुंचते पहुंचते उन्हें रात के 11 बज गए। भुवनेश्वर पहुंच के उन चारों ने अपना काम किया और फिर वापस पुरी आने के लिए पापा के साथ बैठ गए। पापा ऑटो चला रहे थे, रात के 2 बज चुके थे। रास्ते में पट्टा नायकिया नाम की एक जगह पड़ती थी, वो जगह बहुत मनहूस थी। वहां बहुत से एक्सीडेंट्स और अनहोनी घटनाएं होती रहती थी। अब पापा उस रोड पे पहुंचे तो उनको आगे कुछ दूर एक औरत सफेद साड़ी पहने खड़ी दिखाई दी। वो आगे खड़ी इनको हाथ दिखा के ऑटो रोकने का इशारा कर रही थी, लेकिन उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। पापा ने सोचा कि हो सकता है कोई लड़की घर से झगड़ा करके आई होगी। पापा ने सोचा कि चलो ऑटो रोक लेता हूं, इसकी मदद हो जाएगी। लेकिन वो चारों आदमी पापा को ऑटो रोकने से मना कर रहे थे। उन्होंने पापा को समझाया कि ये कोई और ही चीज लगती है, ऑटो बिल्कुल मत रोकना। तो उनकी बात सुनके पापा ने ऑटो की स्पीड और तेज कर दी। फिर जैसे ही ऑटो उस लड़की के पास से निकला तो पापा को लगा जैसे उस लड़की ने जोर से ऑटो पे हाथ मारा हो, लेकिन पापा ने इतना ध्यान नहीं दिया। अब ये वहां से आगे तो निकल गए, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि वो लड़की उनके बगल में ही भागती हुई आ रही थी। पापा जितनी स्पीड बढ़ाते वो लड़की भी उतनी ही स्पीड से हवा में उड़ती हुई उनके साथ आने लगती। ऑटो की लाइट भी अपने आप बंद होए जा रही थी। फिर कुछ दूर एक मंदिर पड़ता था, लेकिन उस मंदिर पर पहुंचने से पहले ही पापा का ऑटो बंद हो गया। ऑटो रुकते ही उस आत्मा ने पापा से कुछ कहा और वहां से गायब हो गए। उसके बाद पापा वहीं बेहोश हो गए। फिर वो चारों बूढ़े आदमी पापा को मंदिर में ले गए तो मंदिर के पुजारी ने पापा के ऊपर कुछ पूजा की। उसके बाद पापा किसी तरह घर तो पहुंच गए, लेकिन अगले 7 दिनों तक पापा की तबीयत बहुत खराब रही। उस दिन के बाद से पापा ने रात में ड्राइविंग करना बंद कर दिया।
मेरा नाम विदुषी राज है। मैं बिहार के भागलपुर की रहने वाली हूँ। जब मैं 5th क्लास में पढ़ती थी तो एक बार मेरी एक फ्रेंड ने मुझे उसकी एक कहानी बताई थी। हमारे यहाँ भागलपुर में एक जगह है जिसका नाम अलीगंज है। मेरी वो फ्रेंड वहीं रहा करती थी, तो उसने बताया कि जब वो लोग नए नए उस जगह में शिफ्ट हुए थे तो एक दिन उसके घर उसके सारे कजन्स आए हुए थे। तो रात में जब घर पे कोई बड़ा नहीं था तो वो सब मिलके ऊपर छत पर चले गए। लेकिन जब वो छत पे बैठे थे तो अचानक उनको वहां एक औरत की परछाई बनती दिखाई दी। ये देख के वो सब बहुत डर गए और जल्दी से भाग के नीचे आने लगे। लेकिन उनको अपने पीछे कोई आता हुआ भी लग रहा था। फिर नीचे जाके उन सब ने पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि एक बिना सिर की औरत उनके पीछे आ रही थी। ये देख के वो बहुत डर गए और अंदर कमरे में जाके भगवान का नाम लेने लगे। फिर कुछ ही देर बाद घर के बड़े लोग आ गए तो उन्होंने उनको सारी बात बताई। लेकिन बड़ों को लगा कि बच्चे उनके साथ मजाक कर रहे हैं, इसीलिए किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद एक दिन उनके घर पे खाने में चिकन बना था। फिर रात में उन सब लोगों ने खाना तो खा लिया, लेकिन उन्होंने अपने बर्तन बिना धोए ऐसे ही किचन में रख दिए थे। लेकिन फिर रात में 4 बजे के करीब उनकी एक दीदी की आंख खुली तो वो पानी पीने के लिए किचन में गए। लेकिन किचन में गए तो देखा कि एक बहुत डरावनी सी औरत किचन में खड़ी उन प्लेटों में रखे चिकन की तरफ देख के लार टपका रही थी। ये देख के वो बहुत डर गई और जल्दी से आके मम्मी को बताया। फिर उसकी मम्मी भी जल्दी से किचन में उसको देखने गई, लेकिन तब तक वो औरत गायब हो गई थी। किचन में कोई नहीं था। फिर उन लोगों ने उस घर के बारे में किसी से पूछा तो पता चला कि कई साल पहले एक बूढ़ी औरत को मार के उस घर के नीचे दफना दिया था। ये बात जब उन लोगों को पता चली तो वो सब बहुत डर गए और कुछ ही टाइम बाद उन्होंने वो घर खाली कर दिया। अब वो ह्यूमन नगर में रहते हैं। वहां उनके साथ अब सब कुछ ठीक है। ये कहानी बिल्कुल सच है। मेरा नाम हाशिर है। मेरा एक कजन है जिसका नाम रैयत है। मैं जिस घटना के बारे में आपको बता रहा हूं यह हमारे साथ हमारे गांव में घटी थी। मैं आपको बता दूं कि हमारे गांव का घर बहुत बड़ा है, उसमें 16 से ज्यादा कमरे हैं। तो हुआ ऐसा था कि मेरी और मेरे कजन की मम्मी ने दोनों ने गांव में भी हमारा ट्यूशन लगवा दिया था। तो एक दिन मेरी मम्मी ने हमें कहा कि जाओ जाकर होमवर्क पूरा कर लो वरना सर गुस्सा होंगे। तो हम दोनों बोले ठीक है और फिर हम घर के ही एक खाली कमरे में जाके पढ़ाई करने लगे। फिर कुछ देर बाद मेरे कजन को टॉयलेट लगी तो वो बाथरूम के लिए बाहर जाने लगा। तो मैंने कहा, अरे बाहर क्यों जा रहा है, तू इस कमरे के बाथरूम में ही चला जा। उस कमरे में भी एक बाथरूम बना था जिसमें कोई नहीं जाता था, तो वो उसी बाथरूम में चला गया। लेकिन उसके अंदर जाते ही मुझे उसके जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मैं चिल्लाया, रैयत रैयत क्या हुआ तुझे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं जल्दी से उसके बड़े भाई को बुला के लाया। उन्होंने भी दरवाजा खुलवाने की कोशिश की लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर उन्होंने बताया कि बाथरूम के दूसरी तरफ जंगल की तरफ से एक खिड़की है, उससे अंदर देखा जा सकता है। तो हम दोनों जल्दी से पीछे उस खिड़की पे गए तो उन्होंने अंदर झांक के देखा। उन्होंने बताया कि रैयत अंदर बाथरूम में एक कोने में बेहोश पड़ा था। उन्होंने उसको बहुत आवाज लगाई लेकिन वो नहीं उठा। तो फिर हम जल्दी से अपने मामू को बुला के लाए। फिर हम सब मिलके उसको आवाजें देने लगे और उठाने की कोशिश करने लगे और फिर करीब आधे घंटे बाद उसको होश आ गया। लेकिन उठने के बाद भी वो अजीब ही तरीके से बिहेव कर रहा था। हमने उसको कहा कि बाथरूम का दरवाजा खोलो,
लेकिन उसे दरवाजे की कुंडी ही नहीं मिल रही थी। वो ऐसे कर रहा था जैसे वो अपने होश में ही ना हो। फिर जैसे तैसे उसने बाथरूम का दरवाजा खोला और बाहर आ गया। फिर हम सब उससे पूछने लगे कि तुझे क्या हुआ था, तो वो बोला कि मुझे बस इतना याद है कि मैं बाथरूम के अंदर गया था, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। फिर जब ये बात घर के सब लोगों को पता चली तो सबने फैसला किया कि शाम को एक मौलवी को घर में बुलाएंगे और रैयत को उससे फूंक पड़वाएंगे। फिर शाम को एक मौलवी घर पे आए, वो कुछ पढ़ के रैयत के ऊपर फूंक रहे थे। सब लोग मौलवी को ही देख रहे थे लेकिन मैं रैयत को देख रहा था। फिर जब मौलवी ने उसको फूंक दिया तो उसके बाद उन्होंने उसको एक दम पानी पिलाया। मैं आपको बता दूं कि दम पानी का मतलब होता है ऐसा पानी जिसको मौलवी दुआ पढ़ के फूंकता है। फिर जब वो मौलवी वहां से जाने लगे तो मैंने उन्हें घर के बड़ों को ये बताते सुना कि रैयत ने बाथरूम में कुछ देख लिया था। फिर रात में मैंने रैयत से अकेले में पूछा कि तुम कांप क्यों रहे थे, तो उसने बताया कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर से कुछ बाहर निकल रहा हो। और तभी मुझे ये याद आया कि मैंने बाथरूम में एक चुड़ैल देखी थी जिसकी शक्ल हरे और काले रंग की थी, उसके बाल बहुत लंबे थे और होंठ बिल्कुल लाल थे। इस घटना के बाद मेरी नानी ने उस कमरे पे 2 महीनों के लिए ताला लगवा दिया। इस बीच बहुत से लोगों ने कई बार उस कमरे की खिड़की को बाहर से देखा तो खिड़की से एक लाल रंग की रोशनी निकलती दिखाई देती। फिर 2 महीने बाद वो कमरा खोला गया तो हमने देखा कि उस बाथरूम का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, जिससे सफेद बाल जैसे और एक हाथ जो किसी बूढ़ी औरत का लग रहा था वो बाहर निकल रहे थे। वो देख के मैं और रैयत तो डर के मारे वहां से भाग गए। इसके बाद उस कमरे को हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया। अब उस कमरे में कोई नहीं जाता। मेरा नाम अंशु सिंह है, मैं अभी मुंबई में रहता हूं, पर यह घटना मेरे गांव मिर्जापुर में मेरी मम्मी के साथ घटी थी। ये आज से 26 साल पुरानी बात है। मेरे नाना एक किसान थे और उनकी गेहूं की खेती होती थी। तो एक दिन नाना खेत में गेहूं की फसल काट रहे थे तो मेरी नानी ने मम्मी से कहा कि जा खेत में जाके पापा को खाना दिया। तो मेरी मम्मी नाना को खाना देने के लिए निकल पड़ी, लेकिन जब मम्मी नाना को खाना देकर वापस आ रही थी तो रास्ते में एक बगीचे में उनको एक गुलाब का पौधा दिखाई दिया। तो मम्मी उस पौधे के पास गई और उसमें से एक गुलाब का फूल तोड़ लिया। लेकिन वो फूल तोड़ते ही मम्मी को पता नहीं क्या हुआ, उनका सिर अचानक से चकराने लगा। मम्मी उसी वक्त वहां से भागने लगी। भागते हुए उनका पैर एक पत्थर से टकरा गया और उनके सिर पे चोट लग गई। सिर से खून बहने लगा लेकिन मम्मी को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वो ऐसे ही भागते हुए सीधा अपने घर पहुंची, लेकिन घर आके मम्मी तालियां पीटने लगी, जोर जोर से हंसने लगती तो कभी घर के लोगों को गालियां देने लगती। घर वालों को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनको क्या हो गया है, वो किसी के काबू में नहीं आ रही थी। फिर नानी ने जल्दी से नाना को खेत से बुलवाया। नाना ने भी घर आके मम्मी को शांत करवाने की कोशिश की लेकिन मम्मी शांत नहीं हुई। फिर मेरी मम्मी की जो दादी थी उनको शक हुआ कि इसके ऊपर जरूर कोई ऊपरी चक्कर आ गया है, तो उन्होंने गांव के ही एक पंडित को घर में बुलाया। वो पंडित जी बहुत ज्ञानी थे, बहुत सी चुड़ैलों और भूतों को वो लोगों के ऊपर से हटा चुके थे। जब वो पंडित जी घर में आए तो मम्मी को देखते ही बोले कि इसके ऊपर बगीचे की एक चुड़ैल आ गई है, उसने इसको उस बगीचे में गुलाब के पौधे के पास पकड़ा था। फिर उन पंडित जी को देखते ही मम्मी जोर से बोली, तू क्या करेगा मेरा, मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगी। तो पंडित जी ने
उसी वक्त गंगा जल मम्मी के ऊपर छिड़का और उससे पूछने लगे, बोले बता कौन है तू और इसके ऊपर क्यों आई है। तो वो बोली कि मैं बहुत टाइम से उस बगीचे में रह रही थी, ये बगीचे में फूल तोड़ने आई तो मैंने उसको देख लिया और इसके ऊपर आ गई। फिर पंडित जी ने हवन किया और मम्मी बेहोश हो गई। लेकिन मम्मी के बेहोश होते ही सबने एक काली परछाई को मम्मी के शरीर से निकलते देखा। उसके बाद मम्मी को होश आ गया लेकिन उनको कुछ भी याद नहीं था। उसके बाद नाना नानी ने मम्मी को खाना खिला के सुला दिया। इसके बाद मम्मी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ।